जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की विशेष खबर। 2019 लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सोमवार दिनांक 29 अप्रैल को 9 राज्य की 72 संसदीय सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, जिसमें महाराष्ट्र की 17, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा की 6, बिहार की 5 और झारखंड की 3 सीटों पर मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में हिंसा की घटनाएं और कुछ इलाकों में ईवीएम में खराबी की घटनाओं के बीच सोमवार को 64% मतदान संपन्न हुआ। पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर सर्वाधिक 76.66% मतदान हुआ। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जहां इस चरण में चुनाव की शुरुआत हुई, वहीं महाराष्ट्र और ओडिशा में चुनाव संपन्न हो गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ओडिशा की 6 संसदीय सीटों में कई स्थानों पर हिंसा हुई, जहां मतदान प्रतिशत 64.05% रहा। चुनाव आयोग की तरफ से शाम 6 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र की 17 सीट में करीब 52% मतदान हुआ, बिहार की 5 सीटों पर 53.67%, झारखंड की 3 सीटों पर 63.42% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीएल कांताराव ने कहा कि कृत्रिम मतदान अभ्यास के दौरान 207 मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को बदला गया, क्योंकि उनमें कुछ खराबियां पाई गई। मतदान शुरू होने के बाद 106 मतदान केंद्रों पर ईवीएम भी बदल दिए गए। राज्य चुनाव अधिकारियों के अनुसार राजस्थान में चुनाव शांतिपूर्ण रहे, जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र बांसवाड़ा में 72.34% मतदान हुआ। इसके बाद बाड़मेर में 72.21% मतदान हुआ। मुंबई में मतदान केंद्रों के बाहर उद्योगपतियों और बॉलीवुड सितारों की कतार लगी रही, जहां 6 सीटों पर चुनाव हुआ। एक चुनाव अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट में आई तकनीकी खराबियों को दुरुस्त किया गया। बिहार के मुंगेर में 3 मतदान केंद्रों, दरभंगा में 2 मतदान केंद्रों और बेगूसराय में 3 मतदान केंद्रों पर ईवीएम में खराबी के कारण देर से मतदान शुरू हुआ। ओडिशा में 41 विधानसभा सीटों और मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान हुआ। ज्ञात हो कि देश में 542 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएनटी न्यूज नेटवर्क, नागपुर।